तो चलो मैं प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक का जो है मास 2 kg है और ABC इनका नाम है। ABC पासिंग ओवर ए फिक्स पुली एस शोन इन फिगर, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी। चलो बी एंड सी इसके बीच जो ये वाली स्ट्रिंग है उसमें मैं टेंशन T मान लेता हूँ और ये वाली जो स्ट्रिंग है उसमें मैं टेंशन T' मान लेता हूँ। अगर मैं ए ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, चलो मान लेते हैं ये वाला ऊपर जा रहा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ए पे टेंशन T' ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा इसका वेट mg, दैट इज 20 न्यूटन, और ये ऊपर ए एक्सलेशन से जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ T' -20 इज इक्वल टू मास ma, ठीक है। तो इसका मास 2a, दैट इज T' -20 इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इतना आ गया, उसी तरह से b अगेन, ठीक है ना, ये c का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये जो है फॉर a है, तो a के लिए इतना, तो c के लिए अगर बनाओगे तो c वाला ब्लॉक अगर देखोगे तो नीचे गिरेगा a एक्सलेशन से, इस पे वेट mg लगेगा और ऊपर टेंशन T लगेगा। तो अगर तुम देखोगे इसका तो mg माइनस T इज इक्वल टू ma के बराबर होगा, तो 20 - T इज इक्वल टू 2a के इक्वल होगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से तो एक इक्वेशन नंबर 2 हमें ध्यान रखना, हमें कैलकुलेट करना टेंशन बिटवीन B एंड C, मतलब T की वैल्यू निकालनी है। और अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे C वाले ब्लॉक का फॉर फॉर B, ठीक है ना, सी का तो हो गया। तो बी पर देखोगे तो बी पर एक टेंशन ऊपर लगा T' और एक नीचे लगेगा T, और इसके अलावा इसका वेट mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये स्टील ये नीचे आ रहा है, तो ये होगा mg प्लस T। में वैसे माइनस कर दोगे T' तो इसका मास ma के इक्वल होगा। अब यही 3 इक्वेशन हमें सॉल्व करके देंगे T की वैल्यू, टेंशन बिटवीन बी एंड सी। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो mg की वैल्यू यहाँ 20 हो गया और प्लस हमें T चाहिए, तो माइनस T' की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ फर्स्ट से। तो फर्स्ट से अगर T' की वैल्यू देखोगे तो ये आ जाएगा 2a+20। 2a+20 जो है, तो ये T' की वैल्यू रखता हूँ 2a+20+2a, ये वाली चीज़ अगर तुम देखोगे, और ये आ जाएगा अगेन 2a। तो ये 20 + T इज इक्वल टू -20 - 2a इज इक्वल टू यहाँ से 2a, तो ये आ जाएगा 20 + T इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू यहाँ से 4a आ जाएगा। तो अगर यहाँ से 4a आ जाएगा तो यहाँ से देखोगे तो ये ख़त्म हो गया, तो T की वैल्यू 4a आ जाएगा। अब यार 4a मतलब हमें एक्सलेशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो अगर एक्सलेशन निकालना है तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ सेकंड बनाता 20 - T इज इक्वल टू 2a, और यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 4a। तो अगर मैं T की वैल्यू इसमें रख दूँ तो 20 - 4a दैट इज 2a, तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 6a, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे a की वैल्यू अगर 10/3 आ गई, तो टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 × 10/3, दैट इज 10 = 40/3। 40/3 अप्रॉक्सीमेटली 30 न्यूटन जो है वो टेंशन आ जाएगा इसमें आसपास, देखो क्योंकि वैल्यू आसपास दी हुई है, तो बी ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली पास पास मैच करता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।